बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम घर के सिले हुए एक सूट की वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। ये पहले से हमने सिलाई करके रख लिया है, ब्रांड का सूट है, तो इसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो किस तरह का ये प्रिंट है और इसको हमने किस तरह सिलाई किया है। ये दुपट्टा है प्रिंट में इसका, और बहुत ही अच्छा हल्का सा प्रिंट होता है। इनके प्रिंट बहुत ही अच्छे होते हैं। तो बहुत ही डिसेंट और लाइट सा कलर है इसका। तो इसको हमने इसी तरह सिलाई भी इसी तरह की है, और इसके ऊपर हमने बेबी पिको की है चारों साइडों पे। तो और इसको लाइट ही हमने सिलाई किया है, इसके ऊपर कोई हैवी काम नहीं किया। और साथ इसके व्हाइट कलर का ट्राउजर है, सेल्फ प्रिंट में है ये। इसको हमने सिंपल सिलाई किया है, और इस तरह इसके पैंचे जो हैं वो हमने चिप्स बुकरम के साथ बनाए हैं। और अब ट्राउज़र के बाद बारी आती है इसकी शर्ट की। तो आप शर्ट देख लेते हैं। ये इसका फ्रंट है, और गला हमने बिल्कुल गोल बनाया है, इसको बुकरम के साथ अटैच किया है। नीचे से हमने बुकरम लगाई है, और बाजू इसके बेल शेप में रखे हैं। इस तरह की इसकी डिज़ाइनिंग है, तो इसी तरह हमने इसको बेल शेप में रखे हैं। और इसके ऊपर कोई ज़्यादा ना तो गले पे काम किया है और ना इस पे। तो ये जिस तरह का ये लाइट सा कलर है हल्का सा, इसी तरह हमने इसको हल्का सा सिलाई किया है। और बस ये किया है थोड़ा सा, इसके नीचे हमने पट्टी लगाई है, जैसे उल्टी सीधी साइड पे पट्टी लगाते हैं किसी चीज़ के कपड़े पे, दुपट्टों पे, घेरों पे। तो हमने इसकी उल्टी साइड पे लगाई है। इसका ना चाक वगैरह, घेरे वगैरह जो होते हैं ना, वो धोने के बाद या जब पहनते हैं तो फोल्ड हो जाते हैं। तो इस तरह लगाने से, पट्टी लगाने से फोल्ड नहीं होते। ये हमने सीधी साइड की तरफ रख के अंदर की तरफ उल्टी साइड की तरफ इसको फोल्ड करके ऊपर से डबल स्टिच लगा दिया है, और इस तरह ये ऊपर से बिल्कुल ये चकोर बन गया है। ऊपर से भी इसको फोल्ड कर दिया, और इस तरह ये उल्टी साइड पे हमने सारा काम किया है इसका। ये बस सिर्फ इसका ये काम है कि इसको ना ये बारीक बहुत होता है और ये फोल्ड हो जाता है। तो आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।